कि हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम ही मुख्य साधन है। लेकिन यहाँ थोड़ा विचरणीय विषय है कि यदि सही नाम यदि लय बहुबार तबु यदि नहे प्रेम नहे अश्रुधार तब जानी ताहाते अपराध प्रचुर कृष्ण बीज तहे नहाय अंकुर। कृष्ण नाम बीज तहे नहाय अंकुर, ये एक बात है यहाँ। बस हमारे जो नाम संकीर्तन में रुचि नहीं हो रही है, जब तक रुचि नहीं होती है तब तक समझ लेना तुम्हारा भीतर जो वासना रूपी जो तुम्हारे भीतर जो संसार रूपी घर बसा हुआ है वो भीतर में विद्यमान है। संसार क्या है? वासना ही संसार। जब तक वासना है तब तक हरि नाम में रुचि आना संभव नहीं। मुख्य विषय है तो वो तो हम तो बहुत नाम करते हैं, ऐसे नहीं हम नाम नहीं करते हैं। नाम करने से क्या होगा? यदि सही नाम लहे बहुबार तबु यदि नहे प्रेम नहे अश्रुधार तबे जानी ताहाते अपराध प्रचुर कृष्ण नाम बीजता है नहाय अंकुर। हमारे चैतन्य चरितमृत वो बहुत बार लेते हुए भी अश्रुधारा अश्रुकंप पुलक आदि सात्विक भाव रोमांच पुलकित अंग एक गदगद हृदय ऐसे नहीं होता है तो समझना उसमें बहुत सारे अपराध है। कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार नाम लोई लो अपराधीर ना है विकार। ये नाम लेते लेते नाम चिंतन करते करते ऐसे होना चाहिए। हरि नाम करते एकांत में बैठ करके गदगद चित्त होना चाहिए, नाम करते करते बोला होना चाहिए। एकांत में बैठ करके नाम कर रहे हैं कोई नहीं, एक गदगद हृदय बाग गदगद या द्रवता चित्त सबिना बिना आनंद कलया कथम सिद्धि विनाश है, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। होना चाहिए, होना चाहिए। यह लक्षण चित्त शुद्धि के लक्षण। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक जाकर के हृदय शुद्ध नहीं होता है, जब तक तब तक जाके अश्रुकंप पुलक ये होना संभव नहीं है। ये लक्षण है। बाग गदगदया श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, बाग गदगदया शब्द गदगद हो जाएगा, उच्चारण करना उसके लिए असंभव हो जाता है, बात करना असंभव हो जाता है, बात बंद हो जाता है, द्रवता चित्त सबिना द्रवता हृदय द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है, साधक बैठ भी नहीं पाता है, लुढ़क जाता है, नाम करते करते लुढ़क जाता है। द्रवता चित्त सबिना द्रवीभूत तो हो जाएगा हृदय। हम लोग उनको हृदय हमारे जैसे पापी दुरात्मा हृदय कठोर है, नाम करती हुई भी कोई आनंद अश्रु नहीं, कोई गदगद भाव नहीं। कहते तो हैं, उपदेश तो करते हैं, लेकिन भीतर में वो भाव होता नहीं है। ये अपराध प्रमाण अंतकरण वृत्ति होने का कारण ये स्थिति होती है। बाघ गदगद या द्रवता चित्र साबिना द्रवता हृदय द्रवीभूत तो हो जाएगा बिना आनंद अश्रु कलया। हरिनाम करते करते आनंद अश्रु धारा बहना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है कथम शुद्धि विनाशय, बोलता हम कैसे जानेंगे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया। ये भागवत कहते हैं, बोले हम कैसे जानेंगे तुम्हारे चित्त जो शुद्ध हुआ है उसका लक्षण क्या है। कथम सिद्धि विनाश मतलब बिना कारण बेमतलब का तुम्हारा ऐसी चित्त शुद्धि हो गया। भागवत कहते हैं, टोक रहे हैं बिना शुद्ध भाग गद गद या द्रवता चित्र सबिना बिना आनंद अश्रुकल है कथम शुद्धि विनाश है, मानी कैसे बिना कारण ऐसे तुम्हारा चित्त शुद्धि हो गया। ये लक्षण है, होना चाहिए। इसलिए हमको लज्जित होना चाहिए, संकुचित होना चाहिए,
सावधान होनी चाहिए, उपाय अनुसंधान करना चाहिए। इतना दिन हो गया ब्रज में आए हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अनुसंधान करना पड़ेगा, कहाँ हमारी गाड़ी रुक गई है, क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, क्या कारण है। ये लक्षण नहीं, हाँ नाम करते हैं, 3 लाख नाम किया, बस माला रख दिया, छुट्टी हो गया, बस आज अब फिर घूमो फिरो, फिर मोबाइल देखो, कहीं से कुछ टीवी देखो, को गपशप कर, क्यों आज का भजन हो गया, आज का जो शंका है वो पूर्ण हो गया, आज का भजन हो गया। जैसे छोटा बच्चा को बैठा देते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा तो पढ़ना आता नहीं है, इच्छा भी नहीं होती है, कब माँ कहेंगे चल अब हो गया चल, स्कूल में जाते हैं, जब घंटी बज गई है, जब घंटी बाजी गई तब बच्चा क्या आनंद, किताब लेके भागते हैं, अरे छुट्टी छुट्टी, हमारी भी ऐसे ही 3 लाख याद जो शंकापूर्वक नाम है, नाम हो गया बस छुट्टी छुट्टी, अब हमारे आज का भजन समाप्त, झंझट से आला माला लेकर के बैठे 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 बैठे, कब माला समाप्त होगा। कभी कभी तो ऐसा होती है कि समय बीते जा रहा है, माला शंका पूर्ण नहीं होता है, माथा गर्म हो जाता है, आज का शंका पूर्ण नहीं होगा, शंका के तरफ ध्यान है, पूर्णता के तरफ ध्यान है, लेकिन हमारे नाम के प्रति जो हमारे आसक्ति, हमारे नाम के प्रति जो हमारे अनुराग, ये होता नहीं है, इसके प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं है, क्यों नहीं होता है, इतना नाम कर रहे हैं, क्या कारण है, अनुसंधान करना चाहिए। ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जो ऐसे हमारे जैसे जो दुर्दशा ग्रस्त साधक है सबके लिए शब्द है। हाँ उसके भीतर अगर कोई तर्पण नहीं, नहीं नहीं हम तो ठीक है, हमारे खूब भजन हो रहा, तो उसको आनंद में रहने दो, उसको चैन से रहने दो। लेकिन जो इस जन्म में ये शरीर रहते रहते भगवत प्राप्ति, भगवत प्राम प्रेम प्राप्ति की इच्छा लेकर के भजन में प्रवृत्त हुए हैं, उनके लिए चिंता के विषय है, अनुसंधान करना चाहिए, हमारी गाड़ी कहाँ अटक गई, कहीं अटक गई है, होगा क्यों नहीं। एक नामे करे कृष्ण सर्व पापो क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हित हय, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रमोदय। एक नाम से करे सर्व पाप क्षय हो जाता है, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हित हय, नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन शरण पूजन पाद स्मरण वंदन दास सुख आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति ये पूर्णता, मतलब नवदा भक्ति अंग हम जाजन नहीं कर पाते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद स्मरण पूजन वंदन दास समस्त नवदा भक्ति मान लो हम जाजन कर नहीं पाते हैं, लेकिन एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा ये पूर्णता प्राप्ति होती है, पूर्णता पूर्ण हो जाता है एक नाम से संकीर्तन में, निष्ठा लेकर के जो नाम संकीर्तन करते हैं उसमें नवदा भक्ति पूर्ण हो जाता है। आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, और संसार संसार के मूल, संसार चक्र के जो मूल वो है वासना, भोग वासना, देहदयी वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे अंतकरण के जो लगाव है, जो कोशिश करके भी हम उस लगाव को हटा नहीं पाते हैं, उसके प्रति हमारी जो आसक्ति है, चेष्टा करके भी हम वो आसक्ति को हटा नहीं पाते हैं, बोलते आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, वो तो आनुषंगिक नाम के आनुषंगिक माने मुख्य फल नहीं, हम नाम संकीर्तन कर रहे हैं, संसार क्षय के लिए उसको अलग चेष्टा करने का आवश्यकता नहीं है, नाम संकीर्तन के द्वारा उसका संसार वासना जो भीतर में, संसार वासना रूपी हमारे भीतर जो घर बनाकर बैठा है, वो संस्कार जो है वो नष्ट, ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है। आनुषंगिक फल करे संसारेर क्षय, और क्या निश्चित आकर्षित करे कृष्ण प्रमोदाय, चित्त का आकर्षण करके वो प्रेम उपजता है भीतर ऑटोमेटिकली, लेकिन कुछ नहीं होता, इतना नाम कर रहे हैं, इतना नाम कर रहे हैं, कहाँ वो तो है नहीं, तो कारण क्या है, कारण क्या, शास्त्र झूठ कहा है, शास्त्र ठीक ही कहा है, शास्त्र कभी झूठ कहता ही नहीं है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स कारणों पाठक ये सब शास्त्र में है ही नहीं, साक्षात भगवत वाणी है श्रीमद् भागवत पुराण आदि, इसलिए झूठ नहीं है, हो सकता नहीं है, तो धर्म ही झूठा हो जाएगा। तो कारण क्या है, कारण है
अपराध प्रवण मन मिटते हैं। हमारे भीतर जो अपराध है, संत अपराध, गुरु अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, ये नाना प्रकार अपराध के कारण हमारे चित्त वृत्ति मलिनता आ जाती है। मलिनता के कारण उस मलिन हृदय में कभी वो प्रेम, प्रेम के जो प्रकाश अश्रुकंप पुलक आदि वो देखने में आता नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उस विषय अनुसंधान करना चाहिए। कम से कम भगवान चरण में तो प्रार्थना करनी चाहिए, रो रो करके, छाती पटक पटक करके, प्रभु हम तुम्हारे शरण में आए हैं, इतना दिन बीत गया, हमारे अंदर वो प्रेम का तो कुछ प्रकाश तो देखने में आता नहीं है, नाम तो कर रहे हैं, नाम में रुचि नहीं, नाम में उत्सुकता नहीं, क्या कारण है? तो कम से कम प्रार्थना तो करनी चाहिए, हृदय से हार्दिक प्रार्थना, वो भी नहीं, निर्लज्ज बेशरम, नाम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कोई हृदय द्रवीभूत होता नहीं है, अश्रुधारा प्रवाहित तो होती नहीं है, तो ये दुर्भाग्य का सूचक है। तो चैतन्य चरितामृत कार कहते हैं, सही नाम यदि लय बहुबार, तो वो यदि नहे प्रेम नहे अश्रुधार, तो अभी जानी ताहते अपराध प्रचुर, प्रचुर माने बहुत अपराध है, संत अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, ये सब बहुत सारे अपराध है। कृष्ण नाम बीज तह न है अंकुर, बीज तो रोपित हो गया है, जिस दिन गुरु चरण सान्निध्य में हम आए हैं, गुरुचरण में समर्पित हो करके भगवत भजन के लिए, गुरुचरण में समर्पित हो करके ब्रज धाम में आए हैं, तभी गुरुदेव कृपा करके हमको वो बीज प्रदान किए हैं, रोपित हो गया है। कभी कभी जैसे बंजर भूमि में बीज बपन करने से भी देखा जाता है वो उगता नहीं है, तो भूमि ही कारण है, बंजर भूमि, उसमें पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई परिचर्या नहीं, कोई खाद नहीं, कुछ नहीं, कभी कभी देखा जाता है बीज तो रोपित हो गया लेकिन बीज उगता नहीं। तो गुरुदेव तो रोपण कर दिए हैं लेकिन वो बीज से अंकुरित हुआ नहीं है, भक्ति रूपी लता जो है वो प्रकट नहीं हुई। कृष्ण नाम बीज तहना है अंकुर, ताहे माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती जैसे ना है उद्गम। आवरण देना पड़ेगा बहुत सावधानी से, अगर इस जन्म में प्रेम प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, अगर इस तनु रहते रहते भगवत प्राप्ति, भगवत चरण प्राप्ति, भगवत प्रेम सेवा प्राप्ति ही एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो इस विषय में हमको विशेष अनुसंधान करके सावधान होना पड़ेगा। उसको बीज तो रोपित हो गया है, ताहे माली जत्न करे करे आवरण, अपराध होती जैसे ना है उद्गम। वैष्णव अपराध, अपराध 10 प्रकार का है, उसके अंदर सबसे 3-4 अपराध है बहुत खतरनाक, उसके अंदर 2 अपराध सबसे बड़ा खतरनाक भयावह अपराध है, संत अपराध और एक है गुरु अपराध, ये 2 अपराध सबसे बड़ा खतरनाक है। और जो अपराध है उतना खतरनाक है नहीं, खतरनाक है लेकिन उतना खतरनाक है नहीं, भयावह नहीं है। यदि वैष्णव चरण है क्षुद्र अपराध, कोटि कोटि भजने ते पूरे जाए बात। अरे वृंदावन धाम है, यहाँ तो सब चलते फिरते, हर जगह तो साधु संत ही निवास करते हैं, कौन साधु कैसे स्थिति में है हमको क्या पता है, वो कैसे भजन की कौन स्थिति में है क्या पता है, हम तो बाहर ही देख करके उसको धारणा कर बैठते हैं, समालोचना कर बैठते हैं, निंदा भी कर बैठते हैं, कोई ठिकाना है? तो ये संत अपराध सबसे खतरनाक है, संत अपराध।
क्षंत अपराध छह प्रकार का होता है। होंती निंदंति वैदिष्टि वैष्णव अनभिनंदति क्रुद्धते जाति नहर्षंग दर्शने, ये छह प्रकार संत अपराध होता है। हम लोग पहले भी आलोचना कर चुके हैं, फिर भी पुनः आलोचना के प्रयोजन यह है कि देखो कभी कभी क्या होता है, हम भूल जाते हैं। जैसे हम लोग प्रातः काल उठ करके, हम लोग सभी कोई साधारण तो जो हम लोग साधक पड़ जाए, जो साधना करने के लिए प्रवृत्ति हुए हैं, सुबह उठ करके गुरु वंदना करते हैं, स्नान करते करते उठ करके गुरु वंदना, वंदना रोज गुरु वंदना, प्रातः काल उठ के प्रतिदिन गुरु वंदना करने की क्या जरूरत है। लेकिन उस इसलिए कि उसको पुनः पुनः तुम चिंतन करो और देखो कहाँ भूल है, पलक के लिए भूलना नहीं, तुमको याद दिलाने के लिए वो वंदना नित्य कीर्तन करना जरूरी है। जी एक पलक के लिए हम ना भूलें, गुरु के मनुष्य गण ना करो कखनो, जहाँ गुरु निंदा तहाँ मत जाइयो, ये सब शब्द है ना, और तुमको सावधान करने के लिए याद करो, पलक के लिए भूलना नहीं। कीर्तन करने से कुछ नहीं होता है अगर आचरण नहीं होता है, आचरण करने के लिए जो उसका कोई आग्रह नहीं, चेष्टा नहीं, और दुर्बल कीर्तन करना, वो दुर्बल कीर्तन से कुछ नहीं होता है। अनंत काल ऐसे कीर्तन करते रहो, वो कीर्तन से कुछ फल नहीं मिलेगा। आचरण करो, है ना, आचरण करना चाहिए। हमें कमी क्या है, क्या कारण है? तो वैष्णव अपराध है हुंती, माने प्रहार करने से, कोई वैष्णव को प्रहार करने से बड़ा खतरनाक अपराध हो जाता है, चाहे कैसे भी हो, चाहे वो आचरणशील ना हो। वैष्णव कौन है, उसके अंदर वैष्णवी आचरण नहीं है, वैष्णवी गुण नहीं है, लेकिन है तिलक कंठी माला है, भजन करता है, तो हम क्या समझेंगे वो वैष्णव थोड़ी है, बोलते हैं ना। हमारे नारद पंचरात्र में कहते हैं वैष्णव दीक्षा मात्र ही वैष्णव है, जो वैष्णव दीक्षा प्राप्त किए हैं वो वैष्णव है, उसको तुम वैष्णव जानो। भले उसके अंदर जो अवगुण दिखता है, भले वो दिखने का अधिकार तुम्हारा है नहीं। कितना अवगुण हमारे अंदर है, हमारा अवगुण कौन दिखता है, तुम्हारा दिखने का ही अधिकार है नहीं। वैष्णवेर गुणग्राही नाधक है दोष, काय मनो वाक्य करे वैष्णव संतोष, ऐसे वैष्णव धर्म करे भक्ति पोष। चैतन्य चरितमृत कहते हैं वैष्णवेर गुणग्राही, गुण को ही देखते हैं, नाधक है दोष, देखते नहीं है दोष। काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष, काय मन वचन से वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, काय मन वचन से, बस प्रसन्न रहे हमारे ऊपर। उनका दोष देखने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अगर दोष दृष्टि तुम्हारे सामने उनके दोष दिखने में आता है तुमको, बोलते तुम दूर रहो, उनके संपर्क को उनके सान्निध्य से दूर रहो, लेकिन खबरदार उनको दुखी मत करो, ये बचाव है। कम से कम मन में तुम्हारे अंदर कोई देश बुद्धि नहीं रहनी चाहिए किंचित मात्र। अभी आश्रमिक जीवन में थोड़ा सा तो ऐसा होता ही है, जैसे घर में भाई भाई है, घर में सब परिवार हैं, वहाँ भूल भ्रांति आपस में तो वो दिखना ही चाहिए, बोलना भी चाहिए, नहीं तो आश्रमिक जीवन तो खराब हो जाएगा, विशृंखल हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगी सब, तो इसीलिए ये तो बोलना पड़ता है। लेकिन देखना है मन में हमारे भीतर कोई देश बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, ये तो आश्रमिक जीवन में थोड़ा होता ही है। जैसे गुरु शिष्य को तारण करेंगे, ये श्रीमद् भागवत में भी अनुमोदन किए हैं, गुरु शिष्य के कल्याण के लिए उसको तारण करेंगे, भर्षण करेंगे, ये अधिकार है, पिता पुत्र को तारण करेंगे ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं, और जो वैष्णव हैं उनके दोष दिखने का अधिकार हमारा है नहीं। मान लो यहाँ बाहर से बहुत सारे वैष्णव आते हैं, उनका दोष दिखने का अधिकार हमारा है नहीं, दिखना चाहिए मन में। किसी अवस्था में भी कोई वैष्णव के प्रति हमारे किंचित मात्र हीन भावना नहीं रहनी चाहिए। दोष देखो तो अपना, गुण देखो तो दूसरा का। वैष्णव गुणोग्राही, गुण देखो, ना देखो है दोष, उसको दोष दिखना नहीं।
काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष, काय मन वचन से कहीं मन लो कभी दुखी भी कर दिया तो परवर्ती समय फिर उनको कैसे भी उनको प्रसन्न कर दो। ऐसे वैष्णव धर्म करे भक्ति पोष, बोलते हैं इसी को कहते हैं वैष्णव धर्म, ये भक्ति को पुष्टि करते हैं, भक्ति को पुष्टि करते हैं। लेकिन इस विषय में हम तो सचेतन नहीं है, आग्रह भी नहीं है, ना जाने कितना भूल कर बैठते हैं। तो हंती पहले वैष्णव को प्रहार, कोई भी वैष्णव गुस्सा के मारे किसी से झगड़ा हो गया प्रहार कर बैठा, वैष्णव के प्रति इस तरह से कोई अगर प्रहार करता है तो उसका भजन नष्ट हो जाता है। हंती निंदंती, कोई वैष्णव का निंदा करना, वो ही किया है, वो ही किया है, वो किया है, वो किया है, निंदंती। तो निंदा किसको कहते हैं, बस उसके गलत आचरण के विषय आलोचना करना ही निंदा है। किया है वो, हम देखा है एक जान वैष्णव चोरी किया है ना, हमने देखा है, किसी ने पूछा तुमने देखा है कौन ने चोरी किया है, तुमने सत्य कह दिया जो हमने वो उनको फलाना को देखा है चोरी किया है, निंदा हो गया, बड़ा कठिन है। पर दुषानु कीर्तनम इति निंदा, श्री दशमी पाद कहते हैं निंदा किसको कहते हैं ना, पर दुषानु कीर्तनम, दूसरे का दोष का दोष किया है, वो दोष किया है हम कह रहे हैं, हम झूठ नहीं कह रहे, बोलते ना वो भी निंदा हो जाएगा, इतना खतरनाक भाई। भाई वो हम देख रहे हैं हमारे सामने दोष किया है लेकिन कुछ कह नहीं सकते हो, पर दोषानु कीर्तनम इति निंदा, इसको निंदा कहते हैं। और विद्वेष पूर्वक झूठ मूठ उसके संबंध में कुछ कह देते हैं तो ना जाने क्या अपराध होता है, ऐसे खतरनाक है। निंदंती हंती निंदंती वैदेष्टि, मन ही मन में वैष्णव के प्रति देश बुद्धि, इसका अकल्याण हो जाए कुछ हो जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। मान लो कोई वैष्णव से हमारा कोई झगड़ा है, हम कुछ नहीं कहते हैं लेकिन मन में उसके प्रति अनादर बुद्धि, कुछ हो गया अकल्याण हो गया, कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, देखा ना हमसे ऐसा करता है ना इसीलिए ऐसा हो गया, बढ़िया हुआ, मन में एक संतोष, इसको कहते हैं देश भावना। मन में भी ऐसा भावना होने से उसको देश तो होगा ही, उसको वैष्णव अपराध के अंदर गिनती में आ जाएगा, वैष्णव अपराधी है तुम। मन में हम कहते नहीं है, मन लो इससे हमारा पटता नहीं है, अनादर बुद्धि है, तो कोई कारणवश इसका कोई चोट लग गया, कुछ हो गया, हमने देखा ना ऐसा हुआ नहीं है, हमसे लड़ता है ना इस कारण से इसका ऐसा हो गया, बढ़िया हुआ, थोड़ा सा शिक्षा होनी चाहिए। मन में ये जो एक आनंद तृप्ति जो अच्छा हुआ है बढ़िया हुआ, इसको कहते हैं देश। ऐसा अगर मन में तुम्हारे देश भावना है तो वो भी अपराध के अंदर गिनती में आ जाएगा, अपराधी माना जाएगा, मन में भी होनी नहीं चाहिए। वैष्णव अनभिनंदति, वैष्णव आए हैं उनको अभिनंदन ना करना, आदर सत्कार नहीं करना, आया है यहाँ बैठा है कोई पूछता नहीं है क्या सेवा करेंगे क्या करेंगे, कुछ भला बुरा कुछ पूछते ही नहीं है, ठीक है दोपहर के समय आया है बैठा है तो जैसे सामर्थ्य तदनुसार कुछ प्रसाद दे दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उनका आदर सत्कार अभिनंदन करना, आइए आइए महाराज कहाँ से आए हैं कैसे आए हैं, इस तरह से आदर बुद्धि से उनको सादर संभाषण करना, वचन के द्वारा उनको हृदय को प्रसन्न कर देना चाहिए। श्री वस्तु से प्रसन्नता होती नहीं है, हम गए हैं कोई साधु संत के यहाँ, कोई पूछता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, दोपहर के समय हाँ आइए महाराज हम गए हैं छप्पन भोग दे दिया प्रसाद पा लिया फिर पूछता ही नहीं,
तो ये कोई साधु सत्कार थोड़ी कहा जाएगा। मीठी वचन के द्वारा उनको हृदय को प्रसन्न कर दो, कम से कम कुछ नहीं हो तो बड़ी मीठी वचन के द्वारा। वचन का बहुत कीमत है। कोई वस्तु के द्वारा उत्तम प्रसन्नता संपादन करना सहज नहीं होता है, लेकिन ऐसे मीठी वचन कभी कभी होती है जो कि वो वचन के द्वारा उसको हृदय को संतोष करने में तुम समर्थ हो सकते हो, व्यवहार के द्वारा। ये करना चाहिए। ये तो न जाने कैसे 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 संत आते हैं आएंगे, हम तो चेहरा देख करके तो एक धारणा कर लेते हैं ये तो ऐसे ही अड़िया खड़िया आ गया है, आए हैं, उनके लिए कोई आदर सत्कार नहीं, ऐसा नहीं। उनका आचरण देख करके तुम मन में तुम्हारे अंदर कोई गलत भावना आ गया तो भी अपराध हो जाएगा। हम एक दिन पंगत कर रहे हैं यहाँ पर दोपहर के समय द्वादशी के दिन, एक संत आया पागल सा, तो हम सब्जी दिया है ना, वो सब्जी खा रहे हैं यार, जो आलू और जो ये सब जो कपड़ा पॉकेट है कमीज का पॉकेट में डाल रहा है उठा उठा के, है संत कंटिन्यूटी है सब है, जरा पागल सा खा रहे हैं यार, ऐसे आलू उठाए कमीज पॉकेट में डाल दिया या पॉकेट में डाल दिया, क्या कहोगे बोलो? अश्रद्धा तो आई जाती है, नहीं आना नहीं चाहिए, क्यों तुम्हारा द्वार पर आए हैं, ना जाने भगवान किस रूप में आए हैं, तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो? तुम तो बड़ा तुम्हारा द्वार पर जब आया है तब तुम्हारा दोष देखने का अधिकार नहीं है, ठीक है, दूसरे जगह रास्ते में बाहर तुम कहीं गए हो वहाँ जाकर के तुम कह सकते हो आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वार पर जब आए हैं भगवान आए हैं हमारे द्वार पर, तो भगवान का आचरण देखने का हमारा अधिकार है नहीं। अगर तुम आचरण देखते हो तो उनको बैठाए क्यों भाई, और बैठा करके तुम उसका अनादर तिरस्कार क्यों कर रहे हो, ये अधिकार तुम्हारा है नहीं, कठिन बात है। मन में भी अनादर बुद्धि आना नहीं चाहिए, कितना कठिन बात है, सहज बात है, जाते समय दो गाली भी दे सकते हैं तुमको है? जाते समय तुमको दो गाली भी दे सकते हैं है? ये कठिन है, बहुत कठिन है। भगवत सेवा तो सहज है, भगवत भजन सहज है, लेकिन संत सेवा बहुत कठिन है। भजन का तो देखिए, संत सेवा में भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा कोई भजन क्रिया के द्वारा भगवान उतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि संत सेवा में संत के प्रसन्नता संपादन से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होने से समस्त अलभ्य वस्तु तुमको सुलभ हो जाएगा। भगवत भगवान प्रसन्न हो गए हैं, जब प्रसन्न हो गए हैं तो भगवान से कुछ भी प्रार्थना करो, भगवान उस समय इसको देने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा भक्त है, हमारा भक्त मांग रहे हैं, इसको क्या देना, कैसे इसको हम प्रसन्न करेंगे, हमारा भक्त को प्रसन्न किया है। इतने की वैष्णव सेवा परम उपाय बोलते हैं, इसीलिए वैष्णव सेवा ये परम उपाय, जितना उपाय है भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए ये परम उपाय है। परम माने जिसके ऊपर और कोई उपाय है नहीं, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका अलभ्य क्या रहता है, उसका सब कुछ सुलभ हो सकता है, पलक में सब कुछ मिल सकता है, भगवान प्रसन्न हो गए हैं, और हमारे भजन का उद्देश्य है भगवत प्रसन्नता। ऐसा कोई क्रिया के द्वारा हम भगवान को उतना प्रसन्न नहीं कर सकते हैं जितना कि हम एक संत सेवा के द्वारा संत को प्रसन्न करके हम भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। एकमात्र संत प्रसन्नता, एक महत्पुरुष मान लो ऐसे प्रसन्न हो गया, हम जानते भी नहीं है, संत आशीर्वाद करके चला गया, कल्याण हो कल्याण हो, तो मान लो बिना मांगे मोती मिल गया, माने बिना मांगे तुमको भगवत कृपा मिल गई, जो कि जन्म जन्म साधन तपस्या करके भी तुम उस स्थिति में पहुंचना तुम्हारे द्वारा संभव नहीं है। संत में इतना शक्ति है, संत प्रसन्नता से इतना सहज लब्ध हो जाता है वो प्रेम भक्ति, बिना भजन एकांतिक संत प्रसन्नता
इच्छा लेकर के जो संत सेवा करते हैं इतना सहजलभ्य हो सकता है, लेकिन यहाँ कमियाँ हैं हमारे अंदर, उतना श्रद्धा तो है नहीं, है ना, संत प्रसन्नता। इसीलिए वैष्णव अनभिनंदती, वैष्णव को अभिनंदन संभाषण आदि ना करना ये एक अपराध का कारण है। काल चलेंगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग, कोई प्रश्न है तो भाई बोलना थोड़ा सा। यहाँ कहे थे आप जो दो प्रश्न था काल, बोलो। एक तो था आपके जीवन में ऐसे कोई घटना बता रहे कि अजानी तो अपराध, आज तो 11 बज गया, काल चलेंगे, काल में।